एक्सप्रेस देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं रोश कुमारी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ सुकमा से इस वक्त मिल रही है। नक्सलियों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया है। ड्राइवर के अपहरण की भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पोलमपल्ली थाना क्षेत्र का मामला है। सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर शिवा यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, कितनी देर पहले की घटना और क्या ताजा जानकारी इस वक्त आप दर्शकों को दे पा रहे हैं? बता दो, यह करीब शाम के 5 बजे की घटना है। शासकीय वन विभाग का शासकीय वाहन था जो कि चिंतलनार में अपने अधिकारी को छोड़कर वापस आ रहा था, तो पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के कांकेरलंका ग्राम के पास नक्सलियों ने रोका। बताया जा रहा है महिला पुरुष करीब 35 वर्दीधारी नक्सली थे जिन्होंने यह घटना को अंजाम दिया। और साथ ही आपको बता दूं जो वाहन चालक और वन कर्मी थे जिसके अपहरण होने की खबर आ रही थी, लेकिन वह सकुशल पोलमपल्ली थाना पहुंच चुके हैं और अपनी रिपोर्ट दर्ज करा। जी बिल्कुल शिवा, साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से ये नक्सली लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं, अब पुलिस और सीआरपीएफ बीएसएफ इन तमाम जो बल हैं इनकी रणनीति में क्या कुछ फेरबदल देख सकते हैं? जी मैं आपको बता दूं, जैसे ही घटना स्थल पे स्वराज की टीम पहुंची तो वहां पर सीआरपीएफ 74 की टीम पहले से पहुंच चुकी थी और एरिया डोमिनेट कर रही थी। उनके अधिकारियों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि आज दिन भर एरिया डोमिनेशन का कार्य चला था, मगर नक्सलियों ने मौका पाकर इस घटना को अंजाम दिया। जी अभी किस तरह से, जिस तरह से आपने बताया कि ड्राइवर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे हैं और थाने पहुंचे हैं, क्या कुछ उन्होंने और जानकारी दी है, कुछ बता पाए आप? जी मैं बता दूं, जो कि ड्राइवर था, ड्राइवर से भी हमने बात किया तो वो कह रहा था कि वो लोकल भाषा में आपस में बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या ये पुलिस की वाहन है, तो उन्होंने बताया कि वन विभाग का वाहन है, तो उन्होंने कहा शासकीय वाहन है, इसे आग के हवाले किया जाएगा, यह कह के ड्राइवर और वन कर्मी को वहां से भगा दिया। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नए सिरे से